नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बनता हुआ घर के लिए जो छत की ढलाई से पहले तक का पूरा काम किया गया है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि घर के अंदर से किस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है, बाहर से किस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है, कॉलम का साइज़ क्या है, बीम का साइज़ क्या है, लगा हुआ सरिया क्या है, मतलब टोटल लगभग 45 दिन के आसपास तक का जो यहाँ पे काम किया गया है उसका पूरा ब्यौरा दे दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बना रहे हो, किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हो, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो अच्छा काम किया गया है उसको भी आपको ज़रूर सीखना चाहिए। जैसे कि इस घर का जो फर्श का लेवल रखा गया है, बहुत सारे लोग घर का फर्श का लेवल रखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऊंचाई रखना है। तो यहां से जो लेवल रखा गया है वो उसको देखते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ले सकते हो। जैसे कि देख सकते हो लगभग 4.5 फीट के आसपास तक का जो हाइट है ग्राउंड के लेवल से घर का फर्श को लिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 4.5 फीट का लेवल है, तो बहुत सारे लोग डबल बीम का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो आप कैसे सिंगल बीम के साथ में अपने घर का जो 4.5 फीट का हाइट है उसको मेंटेन कर सकते हो, यहाँ से आप सीख सकते हो। देखिए, अगर आप 4 फीट से जो ज़्यादा हाइट आपका जाता है, तो पता है कि अगर आप सिर्फ सिंगल बीम के साथ काम कराते हो तो घर का जो आपका दीवार है वो बाहर की तरफ फेंकने लगता है जब आप सॉइल फिलिंग कराते हो। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि ग्राउंड बीम का प्रयोग न करते हुए, प्लेन बीम का प्रयोग न करते हुए बीच में दे दिया गया है। देखिए, यहीं पर आपको सीखने की जरूरत है। देखिए, बीच में यहाँ पर बीम दिया गया, तो जो आप सॉइल फिलिंग करते हो, मिट्टी का भराई करते हो, तो बाहर की तरफ जो दीवार फेंकने का समस्या आता है वो यहाँ पे नहीं आने वाला है, क्योंकि बीच में यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। और साथ में एक और यहाँ पे आपका घर का फर्श का लेवल होगा, वहाँ तक सीलन ना पहुँच पाए। बहुत सारे घर में आपने देखा होगा कि जो बीम है, सिर्फ एक बीम के साथ काम कराते हो, उसके साथ साथ जो प्लास्टर वगैरह कराते हो, साथ में अगर ज़्यादा इसका हाइट है, तो कई बार देखा जाता है कि साथ में आपका जो साइड वाला दीवार रहता है वहाँ पर आपका पानी लगने के साथ साथ नमी बरकरार रहता है, तो नमी ऊपर की तरफ ट्रांसफर ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर DPC प्रोवाइड किया गया है। इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो घर का फर्श के लेवल पर DPC है, उसके साथ साथ बीच में आपका सपोर्टिंग बीम का रूप में यहाँ पे काम किया गया है। तो कभी भी आपका घर का जो हाइट है उसको लेने से पहले आपको दो चीज़ का हमेशा देखना है कि 4 फीट से ज़्यादा हाइट लेता है तो आपको एक बीम के साथ DPC का प्रयोग करना है, या अगर आपके पास अगर बजट है तो आप डबल बीम का प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जो घर का फर्श का हाइट लिया गया है, तो छत जो आपका यहाँ पे देख सकते हो, जो घर के लिए जो रोड है सामने से, वहाँ पे आपको जाना होगा कि आपका घर के आगे से रोड गया हुआ है, उससे आपको कम से कम 3 फीट के आसपास तक का ये जो आपका घर का फर्श है उसको लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो रोड है उससे 3 फीट के आसपास तक का हाइट है वो प्राप्त कर लिया गया। ये DPC लेवल है, यहीं पर घर का फर्श का लेवल है वो रखा गया है। तो हाइट को भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, उसके साथ साथ ऊँचाई को भी मेंटेन किया गया है। तो यहाँ से आप ये चीज़ को सीख सकते हो। कभी भी आप घर बनाइएगा तो रोड के लेवल कम से कम 3 फीट की ऊँचाई पर अपने घर का फर्श का लेवल आपको रखना ही चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों बीम का बात, बीम का साइज़ का बात कर लीजिए, तो 10 इंची बाय 10 इंची का बीम का प्रयोग किया गया है, साथ में DPC है, उसके साथ साथ बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ पे देखिएगा तो लिंटल बीम का काम है वो किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 7 फीट की ऊँचाई पर घर का लिंटल बीम है, उसका काम किया जाता है। घर का ये फर्श हो गया, यहाँ से 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम का काम किया गया है। सॉलिड 4.5 इंच के आसपास तक ढलाई का काम यहाँ पे किया गया है। मैं अभी अंदर चल के दिखाऊंगा। उसके साथ साथ 10 फीट के आसपास का जो ऊंचाई है इस घर के लिए छत का ऊंचाई है वो लिया गया है। साथ में चीप एंड बेस्ट साइड की तरफ विंडो का प्रयोग किया गया है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलेंगे घर के अंदर, लेकिन कॉलम के बारे में भी जान लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया वो लग जाता है। जैसे कि ज़्यादातर इस घर का जो कॉलम है उसको देखिएगा तो 9 इंची बाय 12 इंच के आसपास का साइज़ में यहाँ पर कॉलम का इस्तेमाल वो किया गया है, जहां पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 4 सरिया 16 mm का है और 2 सरिया 12 mm का है। तो इस तरीके से अगर आप कॉलम का इस्तेमाल करते हो तो आप भविष्य में अगर आपको इस घर को 3 तला तक भी ले जाना होगा तो आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि घर बनाने के समय आपने कॉलम के साथ साथ इसमें लगा हुआ सरिया के बारे में भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया हुआ है। तो ये तो दोस्तों चीज था जिसे आप बाहर से समझ सकते थे, 45 दिन का आसपास में लगता लगभग किया क्या क्या काम है, और छत के ढलाई से पहले तक का ब्रिकवर्क कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो कि सेंटरिंग वगैरह का काम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही जल्द इस घर का सेंटरिंग करते हुए छत का ढलाई वगैरह भी किया जाएगा। तो आपको दिखाऊंगा लगभग 60 दिन के आसपास तक का अगर समय लग जाता है आपको घर के जो आपका ढलाई होता है वहाँ तक पहुँचने में, अगर आप डेली 2 से 3 मिस्त्री का काम करवाते हो, 2 से 3 हेल्पर के साथ काम करवाते हो, तो 2 महीने में आपका छत के ढलाई तक आप पहुँच सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से अब तक का किया गया है काम है। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से काम को किया गया है।
तो दोस्तों अब तक तो आपने देखा कि घर का जो बाहर से किस तरीके से काम किया गया है, अब बारी है घर के अंदर चलने का और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग घर के लिए बीचों बीच कुछ जगह छोड़ा गया है जिससे आप वेटिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। और लेफ्ट साइड में सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी का काम किया गया है, देखिए यहाँ से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। और बहुत सारे लोग जो सीढ़ी का जो जगह चुनते हैं उसमें वो गलती कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में ही अगर आपका ये सीढ़ी मिल जाता है तो चाहे ऊपर अल्लाह ताला में आपका कोई दूसरा भाई रहता है या फिर अगर आप रेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो दोस्तों घर के अंदर जाना नहीं पड़ता है ऊपर अल्लाह ताला में जाने के लिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आप सीढ़ी में चले जाते हो तो अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो अगर पॉसिबिलिटी हो, अगर इस तरीके से आप डिज़ाइन करवा सकते हो अपने घर में, तो कोशिश कीजिएगा कि घर के बिल्कुल स्टार्टिंग में या फिर साइड की तरफ सीढ़ी या फिर सीढ़ी रूम रखें ताकि जो ऊपर तला में लोग रहेंगे उनके कारण नीचे वाले तला में लोग डिस्टर्बेंस ना हो सके। तो इस तरीके से ये सीढ़ी का काम किया गया है। इधर देखिएगा तो घर के लिए पहला रूम है, चलेंगे सारा चीज़ को देखेंगे। यहाँ से इस घर के लिए एक और दरवाज़ा है वो आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लॉक वाइज वास्तु के अनुसार बना हुआ सीढ़ी नज़र आएगा। यहाँ पे आपका हो गया चौताल, उसके साथ फिर कुछ स्टेप्स, फिर चौताल, फिर स्टेप्स, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा वहाँ पे लैंडिंग, उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से आप घर के छत पे चले जाते हो। तो इस तरीके से लगभग 10 फीट बाई 10 फीट के आसपास में सीढ़ी का निर्माण है वो सक्सेसफुली कर लिया गया है। और ये जो जगह है इसको आप चाहो तो एक बाइक या फिर जो आपका छोटा सा साइकिल वगैरह है उसको पार्किंग के लिए रख सकते हो। सीढ़ी के नीचे जो जगह है यहाँ पे आप चाहो तो ये स्टोर रूम के लिए भी इस जगह को आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो इस तरीके से। इसके साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का मेन डोर। और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया मिल जाता है। ये दोस्तों हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बात कर ली जाए लेफ्ट का तो यहाँ पे आपको एक रूम मिलता है, उसके साथ उधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन, उसके बाद फिर रूम जैसा जगह है, उसके बाद वहाँ पे देखिएगा तो कॉमन टॉयलेट बाथ, फिर उधर भी एक रूम है, उसके साथ इधर आपको मास्टर बेडरूम है जिसको आपको दिखाऊंगा कि घर के अंदर में कैसे आप अटैच्ड टॉयलेट बाथ बना सकते हो। तो देखिए इस तरीका से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है, घर के छत के ढलाई के बाद में जरा तो घर का जो फर्श का काम होता है उसको करवाते हैं। कॉलम एक बार फिर से आप ध्यान ले लेंगे, मैंने तो अंदर से आपको दिखाया था, बाहर से दिखाया था किस तरीके से कॉलम का काम किया गया। प्रत्येक कॉलम को देखिएगा तो सिर्फ 9 इंच में 12 इंच के साइज़ में यहाँ पे रखा गया है। 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm के साथ यहाँ पे किया गया है। तो देखिए इस तरीके से काम है। घर का जो भी हमारा अंदर का दीवाल है वो 5.5 इंची का है, बाहर का दीवाल है वो 10 इंच के साथ। चलिए मैं अंदर भी चलकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया गया है। आप देख सकते हो ये इस घर के लिए रूम है, साइड की तरफ एक विंडो है, इसके साथ साथ यहाँ पे किचन है। किचन भी देख सकते हो कि एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म का निर्माण यहाँ पे किया गया है। उसके साथ साथ एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह उधर है, वेंटिलेटर है, विंडो है। एक बात और देखिए, जो किचन से संबंधित आपका सामान है उसके लिए यहाँ पे स्पेशल है वो छोटा सा रूम है वो बनाया गया। ये तो आपका किचन हो गया, उसके साथ जस्ट बगल में आप देखिएगा जो छोटा सा रूम है जहाँ पे आप किचन से संबंधित कुछ इस तरीके से सामान है वो रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो पूजा रूम वगैरह के लिए भी इसका यूज़ है वो कर सकते हो। आपको दरवाज़ा सिर्फ आपको चेंज करना होगा, इधर से दरवाज़ा वो रखना होगा हॉल की तरफ से। तो इस तरीके से काम किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखते हो एक छोटा सा रूम जैसा जगह है, पीछे में एग्जिट डोर है। एग्जिट डोर हमेशा आपको लगाना है क्योंकि कभी भी आपातकालीन स्थिति में निकलने में वो काम आता है, इसलिए आपको घर के साइड में भले ही छोटा गेट दीजिए लेकिन एग्जिट डोर आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। अगर आप घर का डिज़ाइनिंग करवाने वाले हो तो आप इसका भी ध्यान ज़रूर रख लीजिएगा। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ है, उसके साथ उधर एक रूम है, इधर मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में भी आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से काम किया जाता है। और इसके साथ ये कॉमन टॉयलेट बाथ आप देख पा रहे हो, ये देखिए कुछ इस तरीके से काम किया जा रहा है। इसके साथ में यहाँ पर भी आप देखिएगा तो एक और रूम है, लगभग 14 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ का कम्फर्टेबल साइज़ में रूम का काम यहाँ पर किया गया। इसके साथ साथ डबल विंडो प्रोवाइड किया गया है, देख सकते हो डबल वेंटिलेटर के साथ में। तो इस तरीके से ये इस घर के लिए तीसरा रूम है और ये चौथा रूम है जो कि मास्टर बेडरूम के रूप में इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि विंडो का संख्या 2 है। आप कॉर्नर वाला जब भी रूम बनाते हो तो डबल विंडो का प्रयोग आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि डबल विंडो जब आप लगाते हो तो घर में आपका वेंटिलेशन का प्रक्रिया है बहुत अच्छे तरीके से होता है और आपके घर में लाइट वगैरह भी जो प्राकृतिक से लाइट प्राप्त होता है वो भी आपको मिलते रहता है। तो इन सारा चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए, डबल विंडो, डबल वेंटिलेटर का काम। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा तो रूम के अंदर में ही एक ये अटैच्ड टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा। हालांकि यहाँ पे जो विंडो देख पा रहे हो इसका साइज थोड़ा और छोटा है वो करना होगा, ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हो कि रूम के अंदर में ही यहाँ पे अटैच्ड टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है, बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये काम किया गया। उसके साथ साथ ये आप देख सकते हो कि लिंटल लेवल पे कुछ इस तरीके से बीम का काम किया गया, लगभग 4.5 इंच के आसपास में बीम का काम है वो किया गया है।
तो देखिए छत के ढलाई से पहले तक का यहाँ पर तक जो काम था उसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। लगभग 40 से 45 जो दिन का काम है उसको 10 मिनट के आसपास तक का समय मैंने समेटने का पूरा कोशिश किया कि आप लोगों को पूरा आइडिया दिया जा सके। तो घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है। आपने देखा कि किस तरीके से इस घर में 4 बेडरूम के अलावा है, हॉल है, डाइनिंग एरिया है, किचन है, टॉयलेट बाथरूम है, सीढ़ी है। इसके साथ साथ आप देखा कि किचन के संबंधित सामान रखने के एक्स्ट्रा रूम है। उसके साथ साथ वेटिंग एरिया भी काम यहाँ पे किया गया है। जो भी अब तक का काम किया गया था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, दिखाया कि किस तरीके से घर का काम को अब तक किया गया, और साथ मैंने आपको बताया कि इस घर के लिए सेंटरिंग का काम भी चल रहा है। आने वाले दिन में छत का ढलाई है वो किया जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो कि मिस्त्री भाई लोग लगे हुए हैं। तो जैसे ही घर का छत का ढलाई का काम होगा मैं आपके लिए लाऊंगा वीडियो, दिखाऊंगा, बताऊंगा, और आने वाले दिन में मैं आप लोगों इनसे बात करके बताऊंगा कि इस घर को छत के ढलाई तक का पूरा काम करने में टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा। तो वो सारा वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन, और वीडियो अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।